जरा एक नजर इधर भी। आज भगवान धन्वंतरी की पूजा है, जिसे लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं, और इस दिन कुछ न कुछ खरीदारी करने की पूरे देश में, पूरे संसार में प्रथा है। और कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप किसी चीज की खरीदारी करते हैं तो उसकी कई गुना ज्यादा वृद्धि होती है, और इससे लेकर ही अलग अलग चीजों की लोग खरीदारी करते हैं। इस समय हम लोग बोकारो के सेक्टर 4 चर्च मोड़ के समीप मौजूद है, जहां दूर देहात से ग्रामीण जो लोग हैं वे अपने अपने हाथ से बनी हुई चीजें यहां बेचने के लिए आए हैं। मिट्टी के दिए हैं और मिट्टी के अलग अलग चीजों को लेकर यहां बेचने आए हैं, ताकि इन बिक्री से उन्हें जो पैसे मिलेंगे, इससे इनके घर के दिए रोशन होंगे, इनके घर में दीपावली मनेगी और इनके घर में भी खुशियों की सौगात आएगी। बड़ी संख्या में इस बार दूर दराज के ग्रामीणों से लोग यहाँ आए हैं, लेकिन अभी धनतेरस की जो सुबह है, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर बोकारो के लोग दिलवाले बनकर इनके दुकानों में आएंगे, और हमारे देश की जो प्रथा है, हम जिन चीज़ों से दीपावली मनाते हैं उन चीज़ों की खरीदारी लोग जरूर करेंगे। आइए दुकानदार से मिलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस बार इनके यहाँ। क्या नाम है आपका? सौरन कुंभकार। सौरन कुंभकार, कहाँ से आए हैं? चंदन क्यारी। चंदन क्यारी के किस गांव से आए हैं? मतलब मामर खुदा से, वहाँ पर आसनवनी। आसनवनी से आए? आसनवनी गांव से आए। आसनवनी गांव से आए। बड़ी संख्या में क्या क्या चीज इस बार लेकर आए हैं आप लोग? इस बार बहुत बढ़िया बढ़िया चीज लाए, लैंप लाए, लालटेन लाए, घंटी लाए। ये जो दिया है, इसकी सबसे ज्यादा दीपावली में जरूरत होती है, जो दीपावली में सबसे ज्यादा इसकी, क्योंकि दीप जलाओ की बात हम लोग कहते हैं, तो ये जो दिए हैं कैसे देते हैं आप? दिए 12 रुपया दर्जन देते हैं। 12 रुपया दर्जन इस साइज के, और ये जो बड़े साइज के हैं ये 36 रुपया दर्जन देते हैं। 36 रुपया, मतलब 3 रुपया में एक पीस आप देते हैं। और ये जिसको कहा जाता है कि इससे आप जो देवी देवता को दिखाते हैं, हवन धूपदानी दिखाते हैं, इसका क्या कीमत है? इसका 20 रुपये कीमत है। एक का बीस रुपये। तो उम्मीद है इस बार ग्राहक आएंगे? उम्मीद उतना नहीं है, क्योंकि अगले साल इस मतलब इस धनतेरस के दिन पूरा पूरी खत्म ही हो गया था। अच्छा, धनतेरस के अगले दिन चल गए थे घर चल गए। हाँ, इस साल लग रहा है हमको उतना बिक्री नहीं है। कब आए हैं? आए हैं लगभग 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया। हाँ, उम्मीद के मुताबिक बिक्री हुई है? उम्मीद के मुताबिक अगले साल धनतेरस के बहुत बिक्री था। अच्छा, इस साल धनतेरस में उतना बिक्री क्या लगा? लोग एक बार फिर जो इलेक्ट्रिक लाइट है उनकी तरफ आकर्षित हो गए हैं? उनकी तरफ आकर्षित हो गए हैं, हमको जितना थोड़ा लग रहा है। अच्छा, तो ये बेचारे दुकानदार हैं, उम्मीद करके आए, लेकिन इन्हें लग रहा है कि पिछली दफ़ा जो बिक्री हुई थी, लॉकडाउन था, फिर भी बड़ी संख्या में ग्राहक आए थे, और ये जो हमारी पारंपरिक दीपावली मनाने की चीज़ें, इनकी बड़ी संख्या में खरीदारी हुई थी, और ये आसन बनी और दूसरे गांव से आने वाले कुंभकार लोग खुशी खुशी यहां से गए थे घर दीपावली मनाने के लिए, लेकिन इस बार उस तरह लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। आगे भी देखते हैं क्या कुछ खास है और कितने ग्राहक अभी आ रहे हैं यहां पर खरीदारी करने के लिए। अच्छा, कहा जाता है कि आज जब फैशन का दौर है, हम लोग अपने पारंपरिक चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन आप ना, ना, इसके ना, बावजूद भी आए हैं दादा। भूल नहीं रहे हम लोग, अब तो अब लोग याद दिला रहे हैं पहले का लोग कि नहीं मिट्टी का खरीदो, मिट्टी से जुड़ो। तो बस ये सब लोग हैं भाई लोग जो कि जोड़ने का काम कर रहे हैं और हम लोग जुड़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? यहीं सेक्टर 8 से आए हैं। 8 से आए हैं। क्या कहेंगे इस तरह, जब मान लीजिए गांव के लोग बड़ी उम्मीद लेकर शहर आते हैं चीजें अपने हाथ से बनाकर, तो क्या कहेंगे इन चीजों की खरीदारी करने के लिए शहर वासियों से, क्या अपील होगी आपकी? हमारी तो अपील होगी कि भाई साहब जितनी से ज्यादा हो सके मिट्टी के बर्तन आप यूज करें। कोशिश तो हम लोग करते हैं कि तावा भी हम लोग मिट्टी का ही कर दें। जी जी, लेकिन अवेलेबल नहीं हो पाता है, करना चाहेंगे कि मट्टी का ही वो मिले बर्तन। जी जी, जिसमें कि हम लोग गर्मी में भी दिखाया गया घड़ा, एक घड़ा और एक थर्मस भी काफी ज्यादा यहाँ पर, यहीं पर यहाँ ज्यादा बेचते हैं लोग, तो एक थर्मस भी घड़े का मिल रहा है तो अच्छा लगता है। चलो ठीक है, 500 ml का भी एक बर्तन मिल रहा है तो छोटा सा हम भी यूज कर सकते हैं। अगर बड़ा घड़ा यूज नहीं कर रहा, छोटा भी यूज कर रहा, तो मिल रहा है मट्टी का और बहुत अच्छा लगता है कि चलिए सब देख कर लगता है कि अपने याद आता है गाँव का। गाँव याद आता है। अच्छा, बच्चों के लिए ले लिए घर? बस अभी वो देखिए वहाँ लिए हुए हैं और ये ले रहे हैं, थोड़ा सा कुछ दाम वाम का कुछ नहीं कुछ कर रहे हैं, वो तो जरूरी है। बोलिए दादा, क्या रंग रहे थे अभी आप? भाई रंग रहे थे ना। हाँ,
क्या रंग रहे थे? घर रंग रहे हैं, खिलौना रंग रहे हैं, दिया रंग रहे हैं। तो ये जो घर, ये आप जो रंग रहे थे, इसका क्या दाम क्या रहेगा? दाम इसका भी करीब 60 रुपया 70 रुपया एक पीस। हाँ ऐसे ही दाम है। दिया का जैसे 10 रुपया है, 5 रुपया है। अच्छा ओके। खिलौने का घर वो 200 है, 250 300 500 जैसा है। थोड़ा खटाली ज्यादा पड़ता है, रंग ढंग करना पड़ता है। मेहनत खूब रहता है सर हम लोग का। इस बार आपको तो लग रहा है ग्राहक दिख रहे हैं तो यहाँ पर? ग्राहक तो है, जितना लेना वाला से तो लेवे करेगा, कहे ना दिवाली है जी। और ऐसा ही करके हम लोग कौन को मेंटेन करते हैं, साल भर बनाते हैं, एक साल साल भर के बाद आते हैं, थोड़ा बहुत बेच बाच के चला जाते हैं, जो आता है उसी में हम क्या करेंगे। हम लोग तार कोई उपाय नहीं, नौकरी चाकरी तो है नहीं, इसी में करना पड़ता है। पारंपरिक चीज को लोग भूलते हाँ पारंपरिक चलते भूलता नहीं है, भूलने से ही पारंपरिक चीज है। थोड़ा बहुत रेट बढ़ जाता है, इसी चलते थोड़ा रेट में होता है। क्यों जो 10 रुपया खुद बनाते हैं? हाँ खुद बनाते हैं, ताकि इसके कलाकार तो बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। हाँ हाँ हम लोग खुद बनाते हैं। बच्चे आपके घर के सीखना नहीं चाहते ही सर? नहीं चाहता है आजकल का बच्चा, जितना आता है सीखना नहीं चाहता है। हम लोग पुराना है, इसी चलते चल रहा है। कुछ दिन के बाद बच्चा लोग छोड़ देगा, कहने ये मिट्टी का सामान में बहुत खटाली पड़ता है, हम लोग का बहुत मेहनत पड़ता है, करने के लिए मन नहीं करता है तो करेगा, उपाय तो है नहीं करना। भारत की संस्कृति हाँ इसी चलते बचा कर रखे, बचा कर रखना चलता है कि चलो भाई जानते हैं तो कलाकार करके तब ना 10 तो ठीक रहेगा। ये देखिए अलग अलग चीजें यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लेकर आए हैं। चंदन क्यारी के आसन बने गाँव से, और आप देख रहे होंगे जहां तक आपको नजर जा रहे होगी, ग्रामीण क्षेत्र के जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, अलग अलग चीजों को लेकर आया ताकि दीपावली आपकी जो है खुशनुमा बन सके, और भारत की जो पारंपरिक पद्धति है उस पद्धति के साथ आप इस महापर्व को मना सके, माँ लक्ष्मी माँ काली की पूजा कर सके और उनका आशीष आप प्राप्त कर सके। जहाँ से आए हैं, अक्सर कहा जाता है कि अभी लोग जो ये इलेक्ट्रिक की चीजें आई है नहीं, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। नहीं सर, हमारे देश में अपना देसी चीज़ ठीक, परंपरा जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। क्या खरीदने आए हैं? यही दिया हुआ दिया है, ये सब जो आज दिवाली धनतेरस के दिन का समय है खरीद लिए। हाँ प्रत्येक साल लेने आते दादा आप? हाँ हम लोग हर साल लेना ही पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर रहते हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आजकल के बच्चे तो कहते हैं कि रंगीन बल्ब नहीं चाहिए। नहीं हम लोग क्योंकि जमीन संस्कार पे, हाँ हम लोग अपने जमीन से जुड़े रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लिए हैं भाभी आप आज? दिया लिए हैं मिट्टी का। अच्छा अक्सर कहा जाता है कि जो दाम को लेकर कहा जाता है कि लोग आना नहीं चाहते, दाम ठीक ठाक लगा रहे हैं लोग? बस सब ठीक है। चलिए इन लोग का भी साल में एक बार दिन आता है, बहुत मेहनत लगता है। तो ये देखिए यही है हमारे देश की संस्कृति है कि अगर आप अपनी चीजों को लेकर बाजार में आए तो खरीदारी करने के लिए स्वतः ही जो हमारे पढ़े लिखे पीढ़ी के लोग भी सामने आएंगे और आपकी हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते, ताकि भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति हमारे देश की जो विलुप्त होने के लोग कहते हैं कि विलुप्त होती जा रही है वो हमेशा बरकरार रहे। और जो दीपावली धनतेरस काली पूजा का महापर्व है, ये पर्व अपने पारंपरिक चीज़ों के साथ हम सभी मनाएं। तो आप सभी से भी गुजारिश है कि एक बार जरूर इस मिट्टी के बर्तनों को घर लेकर जाएं, बड़ी खुशी होगी। लोग देखेंगे, माता पिता देखेंगे तो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। एक और भाई साहब है, इनसे जानना चाहते हैं कहाँ से सर आए हैं? नाइन से आए हैं। नाइन से आए हैं, मिट्टी के बर्तन लेने आ गए हैं? मिट्टी के बर्तन लेने आए हैं। चाइनीज सामान को तो बहिष्कार करना है जी, क्या कि चाइनीज सामान हमारे देश को लूटे जा रही है जी, आर्मी कमज़ोर होले जा रही है। इस समय हम लोग लेंगे तो चाइनीज बहिष्कार होगा और लोगों को भी जो रोजगार करते हैं जी, रोजगार मिलेगा इन लोगों को भी। इन लोगों को जो मेहनत है, इन लोगों को भी मेहनत का पैसा मिलेगा। इन लोग अभी दीपावली है, हम लोग नहीं लेंगे तो कौन लेगा? कौन लेगा? देश के लोग ही देश के लोग का साथ नहीं देंगे तो कौन लेगा? कौन देगा जी? हम लोग इंडियन है तो इंडियन का जो सामान है वही हम लोग लेना चाहिए, चाइनीज सामान को बहिष्कार करना चाहिए। देखिए इंडियन है, यही सबसे बड़ी बात होती है कि भारत के लोग भारत के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और ये देखिए सेक्टर 9 से यहाँ खरीदारी करने आए हैं, मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन, घरौंदा और जो दूसरी चीज़ें हैं उनकी खरीदारी करने आए हैं।